बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जॉब जिंदगी विद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये मोइनी ने हज का ये पेपर है जो कि कल हुआ था। एक पेपर इसका अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका दूसरा पेपर है। क्वेश्चन नंबर वन है कि विच वन डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, इस लिस्ट के साथ किसका ताल्लुक नहीं है। जो मील, इंच, यार्ड सब एक जैसे हैं, जैसे एकड़ जो है ये मुख्तलिफ है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द, ये जो एक लफ्ज़ दिया हुआ है इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सिक्स में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं कि फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें आठ कौन सा है, लाइन, टाइगर और लिपर्ड, ये एक जात से हैं तो कौ जो है ये मुख्तलिफ है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सात को देखते हैं कि कॉटन इज टू क्विल्ट इज डैश इज टू ब्लैंकेट, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है साथ में, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ऊल। क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं कि आठ दरबे सेवन इज इक्वल टू इतना, फाइव दरबे फोर इज इक्वल टू इतना, सात दरबे नौ किस तरह से आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है तीन में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, 35-45। क्वेश्चन नंबर आठ को देखते हैं कि कंप्लीट द सीरीज यानी डी एफ एच जे, तो ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है डी एफ एच जे, तो इसमें अगर हम इसको ठीक करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, एल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर कि इफ मुर्शिद इज स्मॉलर देन अजहर बट टालर देन अहमद, हु इज़ द टालेस्ट ऑफ थ्री। मुर्शिद जो है अगर ये छोटा है किससे, अजहर से, और अहमद जो अहमद से क्या है, ऊंचा है, तो इनमें से, इन तीनों में से सबसे टालेस्ट कौन सा हुआ। तो फोर में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी अजहर। क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 112-188, तो इसके बाद क्या आएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर आता है वो क्वेश्चन नंबर नाइन में ऑप्शन सी 76। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं कि व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज यानी ए जेड बी बी जेड सी सी जेड डी डी, तो इसमें से फाइव में जो करेक्ट आंसर आता है इसमें नेक्स्ट जो इस पे आएगा ऑप्शन फाइव में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन को देखते हैं कि माई मदर इज़ द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, व्हाट रिलेशन एम आई टू यू, मेरी माँ जो है वो क्या है, वो आपकी बहन की भाई की बहन है, तो ये आपकी क्या हुई। तो 10 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी नेफे होगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल जॉब एमसीक्यू को भी सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हज रिलेटेड है कि स्टोन फॉर रमी जमरात आर पिक्ड अप, मैंने पहली वीडियो में मीना कहा था मिस्टेकनली, ये मुज़दलिफा है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक स्टोन हजर असवद लोकेटेड इन द काबा, तो ये क्या है, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है तवाफ का, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि व्हाट विच रिचुअल ड्यूरिंग हज इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ अरफात, तो यहाँ पर क्या होता है, वकूफ होता है। तो 12 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ कंसेक्रेशन Entered by pilgrim before perform the ritual of Hajj. तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 16 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी एहराम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ड्यूरिंग हज पिलग्रम शेव दियर हेड्स एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सबमिशन, व्हाट इज एक्ट इज कॉल्ड, यहाँ पर ये जो रिवाल वगैरह मनवाते हैं, तो 13 में जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन बी, 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसमें आता है, बी सी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि हज बदल इज दैट वन, हज बदल वो होता है, 17 में करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आता है, जो कि विच इज़ परफॉर्म फॉर अर अदर पर्सन हु कैन कुड नॉट परफॉर्म इट हिमसेल्फ, जो खुद हज अदा नहीं कर सकता तो उसकी जगह पर हज करते, इसको हज बदल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच प्रॉफिट इज सिचुएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ द काबा विच इज़ अंडर फोकस ऑफ हज पिलग्रम, तो ये किसने, 14 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए है, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज फॉरबिडन फॉर अ पिलग्रम हज हाजी ड्यूरिंग हज, हज में जो है क्या चीज़ मना है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आता है 18 में ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इसमें ये सब क्या है ये मना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल जॉब्स एमसीक्यूज को भी सपोर्ट करना है। इसके अलावा ये जो एक क्वेश्चन है 13 नंबर, इसको अभी काइंडली कंफर्म आंसर दें और वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पेपर हल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, हज जो है किस किस पर फ़र्ज है, हज जो है ये जिसके पास जितना एफर्ट हो उसके ऊपर फ़र्ज है, तो 19 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी ऑन दोज हु कैन एफोर्ड, जो बर्दाश्त कर सकते हो इनके ऊपर क्या है हज फ़र्ज है। इमाइनी ने हज का ये पेपर है और इसका एक पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका दूसरा पेपर है, साफ पेपर है, वो साफ नहीं था। तो नेक्स्ट पेज को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्या मुस्लिम वोमेन कैन नॉट ट्रेवल अलोन, यानी मुस्लिम वोमेन जो है वो हज जाने के लिए नहीं जा सकती, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है कि इन एमएस वर्ड्स स्मॉलर टेक्स्ट राइज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट बेसलाइन आर कॉल्ड, ये जो है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन ये आईटी के अभी हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इन एमएस वर्ड द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड ऑन विच पेज बाय डिफॉल्ट, तो ये हर एक पेज पर होते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द एमएस ऑफिस फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेकनली ड्यूरिंग टाइपिंग इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो इसको ऑटो करेक्ट कहा जाता है, 25 में करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि इन एमएस वर्ड वी हैव फॉलोइंग टू पेजेस ओरिएंटेशन अवेलेबल, यानी ये दो पेजेस ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच आर द फॉलोइंग प्रिंटर हैज ड्रम, ड्रम जो इसका होता है, यहाँ पर पहली वाली वीडियो में भी मैंने मिस्टेक बताया था, ये लेज़र है, 26 में करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है टू स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एम एस वर्ड द शॉर्टकट की इज, शॉर्टकट की इसके लिए क्या इस्तेमाल होती है, F7 सिर्फ इस्तेमाल होता है, तो इसमें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आता है 23 में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, 23 का जो करेक्ट आंसर है F7 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग यू वुड यूज टू डायरेक्टली ट्रांसवर्स टू अ पर्टिकुलर पेज, तो यहाँ पर जो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है 27 में ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है गो टू। फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जॉब्स एमसीक्यूज को भी सपोर्ट करें, हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की वीडियोस आप सब तक पहुँचाते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो चाहे वो पेपर हो, तो कम अज़ कम आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन पर क्लिक करें। नेक्स्ट एक पेज रहता है 30 एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में, तो उसको भी सॉल्व करता हूँ, हमारे साथ रहें, हमारे चैनल जॉब्स एमसीक्यूज को सपोर्ट करें और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमने कल ही इसका एक पेपर अपलोड किया था, वो ब्लर था, इसमें 2-3 एमसीक्यूज गलत थे, तो इसकी भी इसी वीडियो में करेक्शन की हुई है, तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जॉब्स एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें। कल वाला जो इसका ये येलो पार्ट था कल वाला, और आज इसका जो है ये चेंज है, येलो वाला नहीं है, और इसमें ये जो है टोटली 30 एमसीक्यूज हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, अभी नेक्स्ट पेज शुरू होता है, तो इसमें भी जो 3 एमसीक्यूज रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यू आर साइड टू कलेक्ट न्यूमेरिकली डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड परफॉर्म डिफरेंट कंप्यूटेशन ऑन इट विच इज कॉल्ड यू यूज, तो यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच आर द फॉलोइंग टेम्परेरी स्टोरेज फॉर द कॉन्टेक्स्ट पे कॉपीड, तो ये क्लिपबोर्ड है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 29 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का भी, कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव ब्रीफली ऑफ योर रोल ड्यूटीज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक्सेल यूज़ करते हैं ऑप्शन बी। तो फ्रेंड, ये था इसका पेपर और वो भी साफ पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल जॉब्स एमसीक्यूज को भी सपोर्ट करना है और हमें अपनी ख़ास दुआओं में भी याद रखना है। तब तक के लिए
हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।